अफगानिस्तान T20 की दमदार टीम है। इस टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी हाँ, ये वही टीम है जिसने न्यूजीलैंड जैसी टीम को मात दी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई। बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि अफगानिस्तान की उलटफेर करने की कोशिश नाकाम रही। नमस्कार, मैं रीचू रॉय और आप देख रहे हैं TNP स्पोर्ट्स। भारतीय क्रिकेट टीम ने सुपर 8 स्टेज की शुरुआत में ही दमदार तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2024 की सुर्खियों में छाई हुई टीम अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है, जिसके साथ ही भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए आगे कदम बढ़ाए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है। पहले लीग स्टेज पर उसने सारे मैच जीते और फिर हाल ही में अफगानिस्तान के साथ खेले गए मैच को भी अपने नाम कर लिया। अब टीम इंडिया सुपर 8 में अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। बता दें कि ये मैच वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 12 मैच टीम इंडिया ने जीते तो वहीं बांग्लादेश ने एक मैच में बाजी मारी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में है। वहीं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो बांग्लादेश ने ग्रुप स्टेज में अपने चारों मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल की थी। बता दें कि बांग्लादेश ने श्रीलंका, नीदरलैंड और नेपाल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत का एक मैच बारिश में धुला तो बाकी बचे 3 मैचों को भारत ने अपने नाम किया है, जिसके बाद अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि इस बार कौन किस पर भारी होगा। वहीं भारत और बांग्लादेश दोनों ने ही सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला खेल लिया है, जिसमें भारत ने तो सफलता प्राप्त की लेकिन बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि अगर भारत इस मैच को अपने नाम कर लेता है तो वो सीधा सीधा सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा। जी हाँ, सेमीफाइनल, जिसके बाद भारत के इस T20 का भविष्य ये मैच लिखेगा। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो 27 जून को गुआना में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। ऐसे में सारे भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें इस मैच पर टिकी रहेगी कि आखिर किसकी होती है जीत, किसे माननी पड़ेगी हार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। T20 की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TNP स्पोर्ट्स।